हंड्रेड क्यू सीरीज का आपके पास ये 46 क्वेश्चन है। आपको इंटीग्रेट करना है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन ब्रैकेट लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस टू लॉग एक्स अपॉन एक्स टू पावर फोर डी एक्स। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छी ट्रिक अप्लाई होंगी, जरा देखें इसमें कैसे सॉल्व करेंगे हम इसे। लेट कर लें आप आई इक्वल टू, आप इसे लिख सकते हैं, देखियो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन ये नंबर है अपॉन, इसके नीचे आप एक्स ले लें, इस एक्स फोर में से एक्स अलग कर दें आप, और यहाँ लिख लें आप लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वन ये नंबर है माइनस ये जो टू है वो यहाँ पर आ जाएगा, ये लॉग की प्रॉपर्टी है, आप इसे लिख सकते हो लॉग एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स टू द पावर थ्री डी एक्स। आपने एक्स पावर फोर को ऐसे लिख लिया है, एक्स आपने यहाँ लगा लिया है और एक्स क्यू आपने यहाँ लगा लिया है, आपके पास आई रहेगा, आप इसमें होल स्क्वायर रूट लगा दें, जब आप होल स्क्वायर रूट लगाएंगे तो आपके पास ये एक्स स्क्वायर प्लस वन एज इट रहेगा, यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा। देखिए जब रूट लेके इसको सॉल्व करेंगे तो क्या रहेगा, एक्स रहेगा, यदि आप इसको रूट में लगाना चाह रहे हो तो क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और आपके पास यहाँ क्या रहेगा, इसे लिखिए लॉग, इसे लिखिए आप एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन लॉग एम माइनस लॉग एन, एक प्रॉपर्टी होती है लॉग एम माइनस लॉग एन लॉग एम अपॉन एन, इसे लिखेंगे हम लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर ये नंबर रहेगा। नीचे आपके पास क्या चल रहा है, ये एक्स क्यू चल रहा है और ये आपके पास डी एक्स है। इसे थोड़ा और सॉल्व करिए, आई इक्वल टू रहेगा आपके पास इंटीग्रेशन रूट, इसको इसके नीचे लाएंगे तो वन आएगा और इसको जब इसके नीचे लाएंगे तो ये वन पॉन एक्स स्क्वायर आएगा, आप इसे ऐसे लिख सकते हो। यहाँ पर क्या रहेगा आपके पास, ये लॉग रहेगा प्लस ब्रैकेट, इसको इसके नीचे लाएंगे तो वन आएगा और जब इसको आप इसके नीचे लाएंगे तो ये वन अपॉन एक्स स्क्वायर आएगा अपॉन आपके पास एक्स क्यू है, आप एक्स क्यू रहेगा और ये आपके पास डी एक्स रहेगा। हमने इस क्वेश्चन को इस फॉर्मेट में ले लिया है, अब हम क्या करेंगे, वन प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर यहाँ पर टी मानेंगे। पुट वन प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी, जब टी मानेंगे तो आप इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वन का डिफ्रेंशिएशन जीरो आएगा माइनस एक्स की पावर वन अपॉन एक्स स्क्वायर डिफ्रेंशिएशन माइनस टू अपॉन एक्स क्यू आएगा। देखिए इसका मतलब है एक्स की पावर माइनस टू, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा माइनस टू, एक्स की पावर माइनस टू माइनस वन तो माइनस थ्री हो जाएगा, ये जब नंबर नीचे आएगा तो प्लस का थ्री हो जाएगा, इस तरह से वन अपॉन एक्स स्क्वायर डिफ्रेंशिएशन माइनस टू ओवर एक्स क्यू आएगा और आप यहाँ लिखेंगे डी एक्स, ये बराबर कितना आएगा डी टी आएगा। आप यहाँ से डी एक्स की वैल्यू निकाल सकते हो, डी एक्स की वैल्यू क्या आएगी एक्स क्यू डी टी अपॉन माइनस टू आएगा। अब इस क्वेश्चन को आप कन्वर्ट कर लीजिए अच्छी तरह से, देखिए वन प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर आपने टी माना है तब आपके पास आई हो जाएगा अंडर रूट टी लॉग टी, ये पूरा नंबर टी हो जाएगा, आपने टी माना है इसको, अपॉन एक्स क्यू है नीचे और आपके पास ये जो डी एक्स है इसकी जगह लिख पाएंगे आप डी क्यू डी टी अपॉन माइनस टू, यहाँ लिखिए एक्स क्यू डी टी अपॉन माइनस टू, ये नंबर इससे क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तब आपके पास आई इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन रूट टी इंटू लॉग टी इंटू डी टी और ये माइनस वन अपॉन टू का आप बाहर लिख लीजिए माइनस वन अपॉन टू। अब हम इस नंबर को इंटीग्रेट करेंगे, आप इसे थोड़ा सा कॉपी कर लीजिए। अब हम इंटीग्रेट करेंगे, हमें इंटीग्रेट करना है, हमारे पास आई था माइनस वन बाई टू अंडर रूट टी लॉग टी डी टी, इस नंबर को हम इंटीग्रेट करेंगे। इसको इंटीग्रेट करने के लिए हमें प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना होगा, हमारे पास यहाँ दो फंक्शन हैं रूट टी और लॉग टी। हम जानते हैं एलिप्टिक के फॉर्मूले से ये एल्जेब्रिक नंबर है, ये लॉगरिथमिक नंबर है, एल्जेब्रिक नंबर बाद में आ रहा है, लॉगरिथमिक नंबर पहले आ रहा है, तो हम इसको फर्स्ट मानेंगे और इसे हम सेकंड मानेंगे, तो ये नंबर हमें फर्स्ट मानना होगा और ये नंबर हमें सेकंड मानना होगा।
इंटीग्रेट करेंगे। हमें पता है कि प्रोडक्ट को लगाने के लिए हम फर्स्ट और सेकंड दो फंक्शन हमारे पास, जब हम इंटीग्रेट यानी करते हैं तो कैसे इंटीग्रेट करते हैं, फर्स्ट एज इट, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस होल इंटीग्रेशन, ब्रैकेट लगाएंगे, डी ओवर डी एक्स ऑफ द फर्स्ट इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन, ब्रैकेट बंद और होल डी एक्स। ये हमारे पास फॉर्मूला है, प्रोडक्ट रूल इसे कहते हैं हम। इस फॉर्मूला को इसमें लगाइए, हमारे पास क्या आएगा, आई आई इक्वल टू आएगा हमारे पास वन अपॉन टू, ब्रैकेट लगा लीजिए आप, ये वन अपॉन टू माइनस वन अपॉन टू बाहर है, यहाँ ब्रैकेट लगाइए, फर्स्ट एज इट, फर्स्ट एज इट लॉग टी एज इट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ द सेकेंड, इसको इंटीग्रेट करेंगे, टी की पावर वन बाई टू को इंटीग्रेट करेंगे, डी टी, रूट टी का मतलब है टी की पावर वन बाई टू, माइनस होल इंटीग्रेशन, ब्रैकेट डी ओवर डी एक्स ऑफ फर्स्ट, फर्स्ट आपने लॉग टी माना है तो आप यहाँ पर लॉग टी लिखेंगे, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ द सेकेंड, सेकेंड आपके पास रूट टी है तो आप रूट टू को इंटीग्रेट करेंगे, टी की पावर वन बाई टू को आप इंटीग्रेट करेंगे, ब्रैकेट और बाहर क्या आएगा टी टी। इसको इंटीग्रेट करने के लिए हमने क्या किया, फर्स्ट एज इट रखा, इसको हम इंटीग्रेट करेंगे, माइनस फर्स्ट को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, फ्रॉम सेकंड को इंटीग्रेट करेंगे, इस पूरे नंबर को सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पर जो नंबर आएगा उसे हम दोबारा इंटीग्रेट करेंगे। ये हमारे पास माइनस वन बाई टू है, यहाँ इस ब्रैकेट का ध्यान रखें आप, ये लॉग टी रहेगा आपके पास, ये टी की पावर वन बाई टू है, इसका इंटीग्रेशन टी की पावर वन बाई टू प्लस वन अपॉन वन बाई टू प्लस वन, एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, माइनस होल इंटीग्रेशन, लॉग टी का डिफरेंशिएशन वन अपॉन टी आएगा, इंटू इसका इंटीग्रेशन यही आएगा, ये लिखेंगे टी की पावर वन बाई टू प्लस वन अपॉन वन बाई टू प्लस वन, और ये बाहर डी टी रहेगा, ये इंटीग्रेशन हुआ इसका। इसे थोड़ा सॉल्व कर लीजिए आप, इसे आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा आई इक्वल टू ये वन अपॉन टू, माइनस का बाहर ही चल रहा है आपके पास, ब्रैकेट ये लॉग टी रहेगा, देखिए ये सॉल्व करेंगे तो वन प्लस माइनस थ्री बाई टू आएगा, थ्री बाई टू को आप टू अपॉन थ्री कह सकते हो, ये इनटू में टू अपॉन थ्री आएगा और टी की पावर थ्री बाई टू आएगा, ये टी की पावर थ्री बाई टू हो जाएगा। यहाँ पर माइनस है इंटीग्रेशन, ये वन अपॉन टी है और ये पावर वन अपॉन टू थ्री बाई टू है, तो एक पावर इसमें से कम होगी तो खाली आपके पास रूट टी बचेगा, टी की पावर वन बाई टू बचेगा अपॉन, नीचे आपके पास क्या है थ्री बाई टू है तो आप उसे टू बाई थ्री ले सकते हो, तो आप यहाँ पर टू अपॉन थ्री ले सकते हो और ये आपके पास क्या रहेगा डी टी रहेगा। अब हम इसे इंटीग्रेट करेंगे, ये हमारे पास आई ये वन अपॉन टू है, ये इसे ले सकते हैं हम टू अपॉन थ्री टी टू द पावर थ्री बाई टू इंटू लॉग टी, अच्छी तरह से ऐसे लिखेंगे इसको, माइनस ये टू अपॉन थ्री बार रहेगा और इस नंबर को इंटीग्रेट करेंगे टी की पावर वन बाई टू का इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन टी की पावर वन बाई टू, हम लिखेंगे इसे टी की पावर वन बाई टू प्लस वन अपॉन वन बाई टू प्लस वन, प्लस लास्ट में हम क्या लगा देंगे सी लगा देंगे। इसे थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, आपके पास ये आई आएगा, ये माइनस वन बाई टू, ध्यान रखें ये माइनस वन बाई टू है, ये आपके पास टू बाई थ्री रहेगा, ये टी की पावर थ्री बाई टू एजिट रहेगा, ये लॉग टी रहेगा, ये माइनस टू अपॉन थ्री है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये थ्री बाई टू आएगा, ये उल्टा होकर टू बाई थ्री हो जाएगा, ये टू बाई थ्री आ जाएगा और ये टी की पावर थ्री बाई टू आ जाएगा, प्लस सी रहेगा आपके पास, आपके पास आई इक्वल टू है माइनस वन बाई टू से मल्टीप्लाई कर दीजिए आप करना चाहें तो आगे, तो ये आपके पास टू टू कैंसिल हो जाएगा, ये वन अपॉन थ्री आएगा, ये थ्री की पावर थ्री बाई सॉरी टी की पावर थ्री बाई टू आएगा, ये लॉग टी आएगा, इसका मल्टीप्लाई आप इसे कर रहे हो तो एक टू से टू कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस का साइन हो जाएगा आपके पास और आपके पास बचेगा टू अपॉन नाइन, इसका मल्टीप्लाई करें टू से टू कैंसिल हो जाएगा, ये टू अपॉन नाइन बचेगा और ये
टी टू द पावर 3/2 आ जाएगा, प्लस सी आएगा, आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो इसमें। आप चाहो तो यहाँ टी की पावर 3/2 कॉमन ले लें, या टी की वैल्यू आप यहाँ पर पुट कर दें। आपके पास टी की क्या वैल्यू है, आई इक्वल टू आपने टी माना था -1/3, 1 + 1/x² का आपने टी माना था, इसे लिखेंगे 1 + 1/x² इज टू द पावर 3/2, इसे लिखेंगे लॉग 1 + 1/x² प्लस 2/9, इसे लिखेंगे 1 + 1/x² इज टू द पावर 3/2, प्लस सी आएगा आपके पास। इस तरह से आपका जो इंटीग्रेशन है वो -1/3, 1 + 1/x² 3/2 पावर, लॉग 1 + 1/x² प्लस 2/3, 1 + 1/x इज टू पावर 3/2 आएगा। आप चाहें तो इन दोनों नंबरों को कॉमन ले सकते हो, आप इतना भी छोड़ सकते हो, तो भी आपका आंसर क्या माना जाएगा, करेक्ट माना जाएगा। मैं समझता हूँ इस तरह के क्वेश्चन आप इजी सॉल्व कर लेंगे। इसमें बहुत टेक्निकली कैलकुलेशन थी, यदि हमने कैलकुलेशन को कन्वर्ट नहीं करा, सही तरह से अप्लाई नहीं किया, तो क्वेश्चन सॉल्व करने में परेशानी आएगी। आप इस क्वेश्चन को ईजिली कर सकते हो, आप इसे कॉपी कर लें।